पाशविनी तहसील के ग्रामीण इलाकों में बाघ का आतंक दिन ब दिन बढ़ने से स्थानिकों को दहशत के माहौल में परिवार के साथ गुजर बसर पिछले 8-10 महीनों से करना पड़ रहा है। आए दिन बाघ गांव कस्बों में आकर किसानों के पशुओं पर हमला कर शिकार कर रहे हैं। वहीं बाघ खेत खलियानों में कामगारों तथा किसानों को अपना शिकार बना रही है, जिसकी वजह से रास्तों पर चलना ग्रामीणों के लिए मुश्किल हो गया है। वहीं खेत खलियान में काम पर जाने के लिए लोग कतारे हैं। हाल ही में किसान के ऊपर बाघ ने हमला कर उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश की, जिसमें किसान लहूलुहान होकर जैसे तैसे जान बचाने में सफल रहा। इस तरह की वारदातें लगातार होने के बावजूद बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग प्रयास नहीं करने से लोगों में वन विभाग के खिलाफ रोष पनपता जा रहा था। जब वन विभाग पटाखों को जलाने तथा बाघ को खदेड़ने के सिवाय कोई ठोस प्रयास नहीं कर रहे हैं, जबकि बाघ लगातार गांव कस्बों में आकर शिकार करने से स्थानिकों को बाघ के दहशत के माहौल में जीना पड़ रहा है। बाघ को पकड़ने की मांग को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों द्वारा वन विभाग के खिलाफ रोष पनपता जा रहा था, जिसको लेकर पाशवनी शहर के शिवाजी महाराज चौराह पर सोमवार दोपहर को कांग्रेस प्रहार, उबाटा तथा सभी ग्रामीणों द्वारा रास्ता रोको, चक्का जाम आंदोलन किया। आंदोलन में सांसद श्याम कुमार बर्वे, जिलाध्यक्ष राजेंद्र मुड़क, रमेश कारीमोरे, रक्षमी बर्वे की अगुवाई में आंदोलन किया गया। वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर चक्का जाम करने से रामटेक सावनेर पाशवनी मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लगी थी। बाघ को जल्द से जल्द पकड़कर जंगल में छोड़ा जाए, वन विभाग के कर्मचारियों की गश्त बढ़ाई जाए, वन विभाग की ओर से 100% सब्सिडी पर झटका मशीन मुहैया कराई जाए और खेतों की कंपाउंडिंग के लिए 100% सब्सिडी दी जाए और अन्य मांगे इस अवसर पर की गई। जब वन विभाग के आला अधिकारी भारत सिंह हाड्डा, उप वन संरक्षक नागपुर वन विभाग नागपुर, रवि घाड़ के सहायक वन संरक्षक रामटेक, पाशविनी तहसीलदार भंडारकर, वन परिक्षेत्र अधिकारी अनिल भगत, पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार थोरात को निवेदन देकर तत्काल समस्या हल करने का अनुरोध किया गया। अगर इन मांगों को वन विभाग अनदेखा करता है तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी इस अवसर पर आंदोलन में शामिल ग्रामीण लोगों द्वारा दी गई। इस आंदोलन में शामिल कांग्रेस खासदार श्याम कुमार बर्वे, जिलाध्यक्ष राजेंद्र मोड़क, चंद्रपाल चौकसी, प्रहार संगठन के रमेश कारीमोरे, रश्मि बर्वे, मंगला निबोने, दीपक भोयर, दयाराम भोयर, सभापति राजकुमार कुसुम्बे, शुभम राउत, वैभव खोपराकड़े, राजेंद्र ठाकुर, चेतन देशमुख, अशोक छिकले, प्रेम कुसुम्बे, डुमन चकोले, माजी सभापति मीना कावड़े, उपसभापति भोते, सरपंच, उपसरपंच, पदाधिकारी, कार्यकर्ता के साथ किसान, ग्रामस्थ, महिला बड़े पैमाने पर मौजूद थे। आंदोलन को देखते हुए पाशविनी पुलिस विभाग के पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार थोरात की अगुवाई में तगड़ा बंदोबस्त किया गया था, जहां आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। टाइगर अटैक का प्रकरण अपने यहाँ पे, हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट होने की वजह से, जंगल होने की वजह से यहाँ पे होते रहता है, लेकिन कभी साल में 2 साल में ये घटना घटती थी, लेकिन अभी पिछले 2 महीने में 14 लोगों की जाने गई है। और ये डेली आपको सुनाया जाएगा कि टाइगर ने इस जानवर को अटैक किया या व्यक्ति पे किया, इसलिए आंदोलन किया गया है कि ताकि ये समस्या जो हमारे आगे लोग जूझ रहे हैं, इनकी ये समस्या दूर की जाए। इसके उपलक्ष में हमने मीटिंग कॉल किया था DFO, जिलाधिकारी, जिन्होंने हमको आश्वस्त किया था कि 22 तारीख को मीटिंग लेंगे, 22 का 24 किया, लेकिन 24 तारीख को मंत्री महोदय आप फिल्म सिटी की जगह देखने के लिए आ रहे हैं, उसी में एक मुद्दा डाल दिया गया। तो इससे प्रशासन पता चलता है कि कितना सीरियस है, प्रशासन को इस विषय पे सिर्फ टाइम पास करना है, लेकिन हम टाइम पास के मूड में नहीं है, हमें कॉन्क्रीट यहाँ पे डिसीजन चाहिए। हमारे लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं है कि कभी भी अटैक होगा, कभी भी जान जाएगी, इसलिए हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से प्रशासन को और शासन को बताना चाहते हैं कि हम सीरियस है, आप भी सीरियस हो जाओ, अन्यथा आप नतीजे के लिए तैयार हो। रामटेक में जो फिल्म सिटी आ रही है, चुनावी फंडा है या अन्य प्रोग्राम है? वो प्रश्न आपने यहाँ के स्थानीय आमदार को पूछना चाहिए, फंडे लाने का काम उनका है, फंडे देने का काम हम नहीं करते। चलो थैंक यू। दंडे नहीं, माहिती आहे का 2 दिवसापूर्वी पेपरला काल आपण बातमी पाहिली, सालेईमध्ये मोठी रेती तस्करी पकडली गेली किंवा रेतीचा छापा मारला गेला, त्याच्यात खोकल्या आणि गाड्या जप्त केल्या गेल्या असं आम्ही पेपरला वाचलं। त्याच्यामध्ये 1.5 कोटी रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केला गेला असं स्वतः प्रशासनानं प्रेस नोटमध्ये सांगितलेलं आहे। आता सवाल माझा हा आहे की 1.5 कोटी रुपयाचा मुद्देमाल त्या स्पॉटवर पोहोचतपर्यंत आणि रेती चोरी जाईपर्यंत तहसीलदार काय करतो, ते पटवारी काय करत होते? आता ते काय आकाशातून ड्रोननं तर चोरली नसन रेती, रस्त्यानं पोकल्यानं गेला असन, रस्त्यानं ट्रक गेले असन, रस्त्यानं टिप्पर गेले असन, तर अशा कोणत्या प्रकारची नशा तहसीलदारांनी केली होती का त्यांना अशा झोपेत होते, त्यांना दिसलं नाही? हा पिपळामध्ये
अवैध प्रकारे पिंपळ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये रेती चोरी सुरू आहे आणि हे रेती चोरी करणारे कोण आहे, या रेती चोरी करणाऱ्याला कोणाचा आशीर्वाद आहे आणि आमदार तहसीलदारांवर कशा पद्धतीने दबाव टाकून या रेती चोरांना वाचवत आहे हे सगळ्या पार्श्वनीतल्या जनतेला माहीत आहे, पण तहसीलदारांना माहीत नाही का? तहसीलदारांना कारवाया किती केल्या आजपर्यंत आणि तहसीलदार काय कारवाई करत नाही, तहसीलदारांची किती कमिशन आणि तहसीलदारांची किती दलाली या सगळ्या कामामध्ये आहे याचं स्पष्टीकरण तहसीलदारांनी द्यावं. आम्ही सांगितलं की आम्ही खासदार महोदयाच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी साहेबांकडे बैठक लावण्याची विनंती करणार आहे. आम्ही तक्रारीचे पुरावे असे देणार नाही आहोत का उद्या यांना माहीत झालं पाहिजे ना पुरावे सगळे ज्या वापर करून त्यांनी सगळे पुरावे नष्ट केले पाहिजे. आम्ही सरळ जिल्हाधिकारी साहेबांकडे बैठक लावायची आणि त्या बैठकीत आम्ही सगळे पुरावे देणार आहोत. त्यात आम्ही सांगणार आहोत की यांचा कोण एजंट आहे जो यांच्यासाठी वसुली करतो. आणि जर एवढे कोण कारवाई झाली नाही तर तुम्ही आपल्यासह काय कारवाई एवढंही झालं आणि जर कारवाई झाली नाही तर आम्ही तहसील कार्यालय ताब्यात घेतल्याशिवाय राहणार नाही. एनबीसी न्यूज के लिए पार्श्वनी से रुपेश खंडारी की रिपोर्ट.